सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले अपनी ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 स्टैंडर्ड का। सो गाइज, ये हमारा रॉयल एनफील्ड का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। आप इसको भाई एक लेजेंडरी बाइक भी कह सकते हो, क्योंकि भाई बहुत पहले से अपनी चलती आ रही है। सेम डिज़ाइन में है गाइज, अपना BS6 वेरियंट है। काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन ने इसका कर दिया है, काफ़ी एडवांस फीचर इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं पहले से अगर हम कंपेयर करेंगे। सो भाई, मैं आया हूँ दुआ ऑटो इंडिया में। जितनी भी हमारे शोरूम की डिटेल्स है वो सारी आपको गाइस डिस्क्रिप्शन में हो जाएंगी प्रोवाइड, वहाँ से आप चेकआउट जो है कर सकते हो। सो डिटेल में आपको इस बाइक के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फ्रंट से लेके स्टार्ट करते, सबसे पहले फ्रंट से लेके एंड तक सारा आपको एकदम डिटेल में बताएंगे विद न्यू ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में। तो भाई, सबसे पहले अगर आप देखोगे इसे टायर पे, सो फ्रंट में 19 इंचेस का यहाँ पे हमको इसमें ट्यूब टायर देखने को मिल जाने वाला है। सो इस बाइक में हमको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है विद ओनली फ्रंट डिस्क। बैक में इसमें हमको डिस्क नहीं मिलने वाली, बैक में सिर्फ गाइस ड्रम ही इसमें हमको मिलेगी। फ्रंट में अगर आप देखोगे इसे 19 इंच का यहाँ पे हमको टायर मिलने वाला है, ट्यूब टायर है, ट्यूबलेस प्रोवाइड नहीं होने वाला। यहाँ पे इसमें हमको स्पोक रिम्स देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप चाहो तो भाई कंपनी से ही एक्सेसरीज के तौर पे अलॉयज लगवा सकते हो, जिसकी इससे लुक जो है वो इनहेंस हो जाती है। एंड फ्रंट में गाइस अगर आप देखोगे इसकी डिस्क को, तो फ्रंट में इसमें 280 mm की फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाएगी। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसे हमको मिल जाता है 35 mm के गाइस हमारे होने वाले हैं। बात करें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की ट्रैवल की, तो यहाँ पे हमको 130 mm का ट्रैवल इसमें जो है देखने को मिल जाता है। पूरी बिल्ड क्वालिटी जो है बाइक की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रॉयल एनफील्ड ने। एंड मटेरियल की क्वालिटी जी सुन सकते हो, बहुत बेहतरीन क्वालिटी हमको देखने को जो है मिल जाती है। एंड अगर आप देखोगे इसके ऊपर अपने हेडलैम्प सेटअप की तरफ, तो इसमें हमको हेलोजन सेटअप मिल जाता है। लो बीम हाई बीम दोनों ही यहाँ पे हेलोजन में है। बल्ब्स भी गाइस इसमें हमको हमारे बल्ब में ही देखने को मिलेंगे, जो अपने इंडिकेटर है वो बल्ब में देखने को मिलेंगे। बाकी पार्किंग लाइट अभी मैंने ऑन कर दिया, उसकी आप लुक चेक कर सकते हो। एंड अभी आपको मैं इसके इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ, इंडिकेटर की आप भी जो है लुक को एक बार चेकआउट जो है कर सकते हो गाइस। सो यहाँ पे कैप अराउंड करा हुआ है, यहाँ पे जो कैप है अपनी हेडलैम्प का वो क्रोम में है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है अगर आप देखोगे तो। इधर अपनी पार्किंग लाइट में भी गाइस आपको प्रोवाइड हो जाती है, देख सकते हो आपको। तो पीछे की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये बाइक का आप जो टैंक देख रहे हो, ये जो है गाइस अपना हैंड क्राफ्टेड है। ये जो भी आप लाइन्स देख रहे हो गाइस, ये बिल्कुल अपने हैंड से डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन एंड शानदार सा प्यारा सा गाइस रॉयल एनफील्ड का लोगो हमको इस साइड जो है प्रोवाइड हो जाता है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। यहाँ पे काफ़ी रेट्रो टाइप लुक में हमको इसका लोगो जो है प्रोवाइड हो जाता है। ग्लॉस ब्लैक में यूज़ किया गया है, जो गोल्डन लाइन देख रहे हो गाइस अपनी हैंड क्राफ्टेड है, जो कि ये काफ़ी एक अच्छी बात है एंड हेरिटेज बात है अगर आप देखोगे भी तो। 13.5 लीटर का टैंक इसमें गाइस हमको प्रोवाइड हो जाता है। करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो सबसे पहले आपको मैं इसकी कीज दिखाऊँ, कीज़ आप इसकी चेक कर सकते हो, वही रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड कीज़ हमको इसमें देखने को मिलने वाली है। सो यहाँ पे अभी मैं प्लग करके आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले आपको मैं अपने जो कंट्रोल देन के बारे में बताना चाहूँगा। सो इधर अपना आइडल स्टार्ट शॉक का बटन है, एंड इसमें गाइस आपको इलेक्ट्रिक स्टार्टर नहीं मिलता, आपको सिर्फ इसमें किक प्रोवाइड होने वाली है। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्टर चाहिए, सो आपको इलेक्ट्रिक पे यहाँ पे गाइस जो है शिफ्ट करना पड़ेगा, या फिर अपने क्लासिक में। लेकिन जो रॉयल एनफील्ड की गाइस अपनी खुद की ब्रांड की एक पहचान है, अगर आपको रॉयल एनफील्ड का मज़ा चाहिए, जो वो मतलब थंप चाहिए अगर आपको बाइक में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई आप जो है अपनी स्टैंडर्ड परचेज करो। अगर आपको एक रॉयल एनफील्ड का मतलब टोरा दिखाना है सही बताऊँ, तो भाई आपको स्टैंडर्ड जो है आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इधर हाई बीम लो बीम के कंट्रोल है, पीछे डिपर पास का मिल जाएगा। इधर गाइस अपना इंडिकेटर के नीचे हॉर्न का, हॉर्न आपको मैं चेक कराना चाहूँगा, काफ़ी लाउड हॉर्न को इसमें देखने को जो है मिल जाता है, तो ये रिमूव करते हैं अभी तो। एंड यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा भाई, अब देखोगे काफ़ी ज़्यादा एडवांस इसको कर दिया है, पहले बहुत सिंपल था, सिंपल से अभी भी है, इसकी ओल्ड स्कूल टाइप को लुक बरकरार कर रहा है अभी रॉयल एनफील्ड ने, लेकिन अब हल्का सा एडवांस कर दिया है। पहले गाइस क्या था अपना यहाँ पे फ्यूल गेज का जो था वो बिल्कुल इसमें जो है पता नहीं लग पाता था, लेकिन अब यहाँ पे जो है देख सकते हो इधर फ्यूल का आ जाएगा, जैसे ही रिजर्व में आएगी आपकी बाइक आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। ABS इसमें हमको मिल जाता है। इधर देखोगे तो यहाँ पे सारा अपना एडवांस कर दिया है पहले से अगर हम कंपेयर करेंगे तो। इधर ऑरेंज लाइट में एल्यूमिनेटेड है, इधर अपना गाइस किलोमीटर पर आवर ये सब हमको इधर दिखा देगा। स्पीडोमीटर हमको इस साइड जो है मिल जाएगा, नॉर्मल RPM मीटर इसमें प्रोवाइड नहीं होता। इधर न्यूट्रल का आ जाएगा, इधर इंडिकेटर्स का, आपको गियर सेट इंडिकेटर नहीं मिलता, आपको बस ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ आपके बाइक अभी जो है न्यूट्रल में है, उससे आपको एक असिस्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके इंजन के बारे में। सो इंजन तो भाई बहुत यहाँ पे प्यारा है, इसमें इंजन मिलते हैं, काफ़ी रिफाइंड है पहले से अगर आप देखोगे। वाइब्रेशन भी अब गाइस हल्की बहुत है, तो वाइब्रेशन तो आपको गाइस यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको लगने वाली है, क्योंकि आपको एक रॉयल एनफील्ड की प्योर जो गाइस फील है ना, एक वो वाली स्टैंडर्ड है गाइस हमारी, एक प्योर आपको रॉयल एनफील्ड का थंब जो होता है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, तो वाइब्रेशन तो मस्ट है भाई।
इंजन देखोगे बेसिक्स एमिशन का है, यहाँ पे फुल क्रोम में है, इधर देखोगे यहाँ पे फुल क्रोम का यूज़ किया गया है। बात करें इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस के बारे में, सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन इसमें प्रोवाइड हो जाता है, 346 सीसी का गाइस हमारा इंजन होने वाला है एंड 28 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है इस बाइक में हमको प्रोवाइड हो जाता है एंड 5 स्पीड का गाइस गेयरबॉक्स इस वाली बाइक हमको देखने को मिलेगा। बात करें कंफर्ट के बारे में तो इस बाइक का कंफर्ट जो है पहले से काफ़ी इंक्रीज हो गया है अपने पिलियन पैसेंजर के लिए एंड राइडर दोनों के लिए। सीट जो है थोड़ी बहुत कंफर्टेबल गाइस पहले से कर दिया, अगर आप देखोगे कंपेयर करें तो पहले से कंफर्टेबल कर दिया, लॉन्ग राइड्स पे लेके जा सकते हो आप इसको। ये बाइक की गाइस रिलायबिलिटी इतनी है कि भाई कई लोग इसको लद्दाख भी ले जाते, कोई इशू आपको नहीं आता अगर आप लॉन्ग राइड्स पे लेकर जाते हो अपनी रॉयल इनफील्ड स्टैंडर्ड 350 को। इधर रॉयल इनफील्ड का लोगो है, पीछे टेलर देखो काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप लुक में भाई, पीछे से भी इसकी लुक जो है रखी हुई है एंड अभी मैं आपको इसकी टेल लैम्प की लुक भी चेकआउट जो है करा देता हूँ। सो इसको भी आप चेक जो है कर सकते हो, काफ़ी प्यारी लुक आ रही है। इंडिकेटर भी ऑन कर दिया, उसको भी आप चेक कर सकते हो। इंडिकेटर हमारा क्रोम है, नीचे एक छोटा सा रिफ्लेक्टर भी प्रोवाइड जो है हमको इसमें हो जाने वाला है एंड जो बाइक का गाइस अपना हैंडल है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में डिज़ाइन किया हुआ है, एक आपको एक देसी फीलिंग टाइप आने वाली है इस वाली बाइक में। आप चलाते हो तो भाई आपका अलग ही टोरा जो है आने वाला है अगर आप इस बाइक को जो है राइड करते हो। पीछे भी अगर हमको 19 इंच का यहाँ पर टायर देखने को मिल जाएगा बैक में अगर आप चेकआउट जो है करोगे। बात करें अगर हम इसके पीछे के सस्पेंशन के तो पीछे भाई हमको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर इसमें देखने को मिलने वाले हैं एंड इधर वाइज अपना बुलेट 350 की यहाँ पे हमको जो फीलिंग है भाई वो यहाँ पे भी रखी गई है। तो भाई बात करें अगर हम इस बाइक की माइलेज के बारे में, 35 के अराउंड माइलेज हमको इसमें देखने को मिल जाती है, बाकी डिपेंड करता है किस तरह से आप अपनी बाइक को राइड करते हो। अगर भाई आपको भी मतलब फुल भाई एकदम स्पीड में चलानी तो माइलेज थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ पे, नहीं तो अगर आप एक डिसेंट उसमें स्पीड में चलाते हो एंड ब्रेकिंग वगैरह थोड़ी कम होती है तो माइलेज यहाँ पे 38 के अराउंड मिल जाती है। हाईवे पे माइलेज यहाँ पे 40 के अराउंड आपको ये वाली बाइक इजीली देखने को जो है इस वाली बाइक में देखने को मिल जाती है। तो भाई अभी बात करते हैं इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस मैं आया हूँ दुआ ऑटो इंडिया में, जितने भी गाइस हमारी शोरूम की डिटेल जो है सारे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगी, वहाँ से आप चेकआउट जो है कर सकते हो एंड गाइस अगर आप हमारे थ्रू आते हो तो आपको एक डिस्काउंट भी जो है वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी भाई बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। बात करें अगर हम इस बाइक की एक्सशोरूम प्राइसिंग के बारे में, यहाँ पे 151,000 जो है इसका एक्सशोरूम है एंड ऑन रोड देखोगे तो भाई 173,000 जो है आपको इसको ऑन रोड पे करना पड़ेगा। सो प्राइसिंग तो सेंसिबल है गाइस, मैं कहूँगा आपको भाई इतने प्राइसिंग में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, काफ़ी रिलायबल है, रॉयल एनफील्ड का प्रोडक्ट है, माइलेज भी अच्छी खासी दे देती है, रिलायबिलिटी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी हमको इसमें देखने को मिल जाती है, जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी अच्छी है। सो अब आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। बाइक का जो अपना वेट है वो है 191 kg, जो कि थोड़ा बहुत ज़्यादा भाई आपको लगेगा एंड ये बिना फ्यूल के है। सो और गाइस वेट इसका इंक्रीज हो जाएगा आप, सो आप ध्यान से लेना भाई अगर आप संभाल पाओगे थोड़ी हैवी बाइक है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है तो तभी आप इसको जो है परचेज करना। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे 135 mm की इसमें हमको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक हमको मिल जाती है एंड 810 mm की इसकी विड्थ है, जो हमको इस बाइक की विड्थ देखने को मिलेगी एंड 2170 mm की गाइस इसकी हमको लेंथ जो है इसमें देखने को मिल जाने वाली है। सो यही था हमारी आज की वीडियो में यार, मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। अच्छी लगी यार हमारी आज की वीडियो कमेंट्स में बताना कैसी लगी एंड कोई और बाइक का रिव्यू देखना है तो कमेंट्स में बताना, उसका रिव्यू लेकर आऊँगा बहुत जल्द। कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक हो या कोई अदर ब्रांड भी, जैसे यामा हो गई, अपनी जावा, किसी का भी आपको रिव्यू देखना है मुझे कमेंट्स में जरूर से पिन डाउन जो है कर सकते हो। मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।